बिना दवाई का इरेक्शन कैसे करें इसके बारे में लोग पूछ रहे थे, और जिनको दवाई लेने का प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में आज मैं बात करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी कुछ कारण ऐसे हैं कि भाई हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, दवाई नहीं लेना चाहते हैं, दवाई की एलर्जी है, तो उस समय फिर इरेक्शन तो नहीं आ रहा है, क्या करें। उस समय हम वैक्यूम पंप प्रिस्क्राइब करते हैं कि वैक्यूम पंप ले लो। वैक्यूम पंप जो है उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि पंप करना और पंप करके मतलब समझे ऐसा पेनिस है उसके ऊपर हमने पंप रख दिया। अब ये पंप रख दिया, उसको बल्ब है, वो बल्ब से आप उसको प्रेस करते हैं तो उसमें की हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी, वैक्यूम तैयार हो जाएगा वो बल्ब के अंदर। जैसे ही वैक्यूम तैयार हो जाएगा तो ब्लड पेनिस के अंदर खींचा जाएगा और पेनिस बड़ा हो जाएगा, ये उसका टेक्नोलॉजी है। तो ये अच्छा है, इसमें काफ़ी महंगे महंगे वैक्यूम पंप्स आते हैं कि जो लीक नहीं होंगे, हवा लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है। जो पेनिस को बिल्कुल ऐसा उसके बेस तक जाके फिट बैठेगा ऐसा वैक्यूम पंप होना ज़रूरी है। कुछ वैक्यूम पंप मैन्युअली ऑपरेटेड है, कुछ वैक्यूम पंप बैटरी ऑपरेटेड है, तो वैक्यूम पंप आप मंगा सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि 5-7-8 मिनट में इरेक्शन आ जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर तीन, ये बार बार वापर सकते हैं ताकि आपको बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर चार, एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, एलर्जी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो जिनको दवाई लेने में एलर्जी है या दवाई नहीं लेना चाहते हैं। वैक्यूम पंप इज़ द बेस्ट। थैंक यू।